नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले थायरोकेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है और हम लोग इनका मेजर बिजनेस देखें तो ये जो कंपनी है वो डायग्नोसिस, ये जो स्पेसिफिकली बिजनेस है, लेबोरेटरीज जो यहाँ पे प्रेजेंट है इनकी, मोर देन 2000, यहाँ पे जो इंडिया में की बात करें तो मोर देन 2000 सिटीज या टाउन्स में इंडिया के जो है यहाँ पे कंपनी की जो है लेबोरेटरी प्रेजेंट है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अच्छा खासा वाइड प्रेजेंट है कंपनी का। दोस्तों, इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम लोग कंपनी के जो है क्वार्टर फोर के नतीजों के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कंपनी का बिजनेस कैसा है, तो कंपनी के हम लोग फंडामेंटल्स देखेंगे और फाइनली बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल लेवल्स पे। तो अगर हमें ये कंपनी खरीदनी चाहिए तो क्यों खरीदनी चाहिए, कौन सी बेस्ट लेवल होगी जहां पे हम लोग स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट करंट लेवल पे नजर आ रहे हैं, तो इन सब के बारे में जो है टेक्निकल सेक्शन में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने अब तक द इन्वेस्टमेंट गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसके साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं कंपनी के क्वार्टर फोर के नतीजों के साथ। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहाँ पे आए मेन पेज पे तो यहाँ पे डिविडेंड कंपनी ने ऐलान किया है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन किया है फाइनल डिविडेंड का ₹15, यानी कि 150% का डिविडेंड कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अगर हम लोग पहले का डिविडेंड देखे तो इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने ₹10 का दिया था, तो कुल मिला के पूरे साल में कंपनी ने जो है ₹25 का पर शेयर पे डिविडेंड दिया है, तो ये भी एक अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी ने पे आउट किया है। अगर हम लोग कंपनी के रिजल्ट पेज पे आ जाए तो हम लोग यहाँ पे कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट पेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे सारे के सारे बिल्स ₹1 करोड़ में दी गई है। कॉलम वाइज देखें तो ये क्वार्टर फोर के नतीजे है, इस कॉलम की बात करें तो क्वार्टर थ्री के नतीजे है, इस कॉलम की बात करें तो क्वार्टर फोर के लास्ट ईयर के नतीजे है। अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम इस क्वार्टर में 150 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 140 करोड़ और लास्ट ईयर थी 103 करोड़। तो ओवरऑल अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में अच्छा खासा हम जंप देख सकते हैं, और ये रेवेन्यू कहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर हम लोग इसके रेवेन्यू जो है पेज पे चले जाए तो यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू सेगमेंट देख सकते हैं, और पहला जो है इसका जो पॉइंट है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सर्विसेज, तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि पिछले साल और पिछले क्वार्टर से अच्छा खासा इनका जो है मुनाफा बढ़ा है डायग्नोसिस टेस्टिंग सर्विसेज के कारण। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के कुल एक्सपेंस की बात कर दे तो कुल एक्सपेंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल एक्सपेंस हुआ है इस क्वार्टर में 103 करोड़, लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वहां पे था 96 करोड़, और लास्ट ईयर की बात करें तो वहां पे था 79-80 करोड़ के आसपास। तो वहां से एक्सपेंस बढ़ा है, ये मेजरली क्यों बढ़ा है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो इनका इनकम बढ़ा है तो इसका जो कॉस्टिंग रहेगा मटेरियल यूज करने में तो वो भी बढ़ेगा, जिसके कारण इसका जो है एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो ये फेयर एक्सपेंस बढ़ते हुए हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग कंपनी के मेजर पॉइंट पे आ जाए प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, तो यहाँ पे 37 करोड़ का कंपनी को जो है मुनाफा हुआ है, पिछले क्वार्टर की तुलना करो तो वहां से इनका मुनाफा बढ़ा है लगभग 15-16% के आसपास हम लोग कह सकते हैं। और अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो वहां पे कंपनी को नुकसान था 1.6 करोड़ का, दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से कंपनी ने वापसी की है, यहाँ पे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, और पिछले क्वार्टर की तुलना भी बात करें तो वहां से भी कंपनी का मुनाफा जो है अच्छा खासा बढ़ के आया है। दोस्तों, अगर हम लोग रिजल्ट इतना ज्यादा नहीं समझते तो सीधा हम लोग ईपीएस का आधार लेते हैं, अगर हम लोग ईपीएस भी देखें तो 7.14 रहा है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर की तुलना कर तो वहां से बढ़ा है, वहां पे था 6.13, और लास्ट ईयर की बात करो तो यहाँ पे था 0.3 जो है करोड़, ये जो है ब्रैकेट में वैल्यू मतलब निगेटिव में, तो निगेटिव से कंपनी यहाँ पे पॉजिटिव में आते हुए हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इस कंपनी को और जानना चाहते हो तो कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, मैं आपको मोटिवेट करूंगा कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ अब तक आपने जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमारा कॉन्फिडेंस मोटिवेशन बढ़ा रहा है। मार्केट कैप तो देखो तो मिड कैप साइज या स्मॉल कैप साइज की हम लोग कंपनी कह सकते हैं, 5,600 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करो तो लगभग 1,000 के ऊपर चल रही है, हाई लगाया था 1,200 का, और जब मार्केट गिरा था तो 485 का कंपनी ने लो लगाया था। अगर हम लोग स्टॉक के पी की बात करें तो 49 भी चल रहे हैं, इंडस्ट्री पी से 40, यानी कि थोड़े से महंगे दामों पर करंटली कंपनी काम कर रही है, लेकिन अगर आप बुक वैल्यू को देखो तो बहुत महंगे दाम में आपको देख सकते हैं, अराउंड 7-8 टाइम्स हम लोग जो है बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें तो 30.9% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो अच्छा खासा यहाँ पे जिस हिसाब से कंपनी को जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसका परिणाम हम लोग कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ते हुए देख सकते हैं। कंपनी की रिजर्व की बात करें तो 314 करोड़ का कंपनी के ऊपर कंपनी के पास रिजर्व है, वही के सामने अगर हम डेप्थ कंपेयर करें तो 12 करोड़ का डेप्थ है, तो कंपनी हम लोग वर्चुअली डेप्थ फ्री कह सकते हैं। अगर हम लोग प्रमोटर का कोई प्लेज है नहीं परसेंटेज वो देखे तो कोई भी शेयर प्रमोटर की जो है परसेंटेज गिर भी नहीं है आज के डेट में। डिविडेंड की बात करें तो अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी देते हैं, 0.94% का जो है डिविडेंड कंपनी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
दोस्तों, अगर आप लंबे टाइम के लिए किसी भी कंपनी में रुकना चाहते हो तो डेफिनेटली उस कंपनी में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के पीयर कंप्यूटर जानना बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो थायरो केयर के सारे पीयर कंप्यूटर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें से मेजर पीयर कंप्यूटर आता है डॉक्टर लाल पैथ लैब। और अगर हम लोग मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी का यहाँ पे पी देखे तो 50 पे चल रहा है। और अगर हम लोग इसके मेजर कंप्यूटर देखे जैसे अपोलो हॉस्पिटल का यहाँ पे पी देख सकते हो आप, डॉक्टर लाल पैथ का देख सकते हो, एज वेल एज मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का देख सकते हो। दोस्तों पूरे जो है सेक्टर में, इसके सेक्टर में इसका पी अच्छे खासे जो है सस्ते दामों पे फर्स्ट ऑफ ऑल चल रहा है। दैट्स द फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट। अगर हम लोग दूसरा बात करें तो यहाँ पे मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनीज की, तो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे जो है छोटी कंपनी ये नजर आ रही है। अगर हम लोग अपोलो की बात करें, डॉक्टर लाल पैथ की, मेट्रोपोलिस की, या मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, इनकी बात करें दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कम होना ये एक पॉजिटिव भी कह सकते हैं हम लोग, रिस्की होता है लेकिन पॉजिटिव इस हिसाब से होता है कि कंपनी को बहुत ज्यादा और अपॉर्चुनिटीज है बढ़ने में, ग्रो होने में। तो कंपनी और ज्यादा ग्रो होती है तो डेफिनेटली इनके इन्वेस्टर को सीधा सीधा इसका फायदा होगा। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे हम लोग ऑल टाइम चार्ट पे आ चुके हैं जहाँ पे एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे 2016 जून से लेके आज के दिन का जो यहाँ पे जो है डेटा देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखे तो कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुई थी लगभग 600 650 के आसपास, वहां से कंपनी ने एक हाई लगाया था अराउंड यहाँ पे अगर हम लोग देखे तो 800 रुपए के आसपास हम लोग देख सकते हैं, 750 800, ये तो जो लाइन है ये 800 के ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पे कई कंसोलिडेशन सिचुएशन आया था, ये लगभग 700 का लेवल था। इसके बाद कंपनी कंसिस्टेंटली नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, कंपनी ने यहाँ पे लो लगाया था। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिर से कोविड-19 की वजह से यहाँ पे कंपनी ने एक लो लगाया था लास्ट ईयर, और वहां से अगर हम लोग देखें तो कंपनी को बहुत अच्छा फायदा हुआ, जिसका मेन रीजन है जो भी कोविड टेस्टिंग में भी ये कंपनी पार्टिसिपेट करती है, जिसका सीधा सीधा परिणाम हम लोग इस कंपनी को जो है प्रॉफिट होते हुए देख पा रहे हैं, जिसके कारण अगर हम लोग देखें तो अच्छा खासा कंपनी का यहाँ पे जो है रिटर्न कंपनी ने विद इन जो है फ्यू मंथ्स में दे दिया। तो अभी हम लोग आ गए कंपनी के डेली चार्ट पे। यहाँ पे एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर ले तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस कंपनी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1115 रुपए के आसपास। कंपनी का दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो जो लगभग निकल कर रहा है 1206 रुपए पे। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे कंपनी ने इसी लेवल के आसपास जाने की कोशिश की थी और वहां से नीचे आ गया था। तो अगर हम लोग देखे तो 1200 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल स्टॉक आने वाले दिनों में भी फेस कर सकता है। अगर हम लोग वही पे कंपनी के सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट लगभग निकल के आ रहा है 918 के आसपास, दूसरे सपोर्ट की बात करें तो लगभग निकल के आ रहा है 812 रुपए पे। दोस्तों करंट लेवल पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये जो कैंडल बन रही है वो कंसोलिडेशन जोन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो करंट लेवल पे अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो तो कम से कम अगर स्टॉक करंट जो इसका पहला रेजिस्टेंस है 1115 रुपए का, तो इसके ऊपर कम से कम 3 से लेके 5 दिन अगर टिक जाता है, हर दिन इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आप फ्रेश खरीदारी करने के लिए स्टॉक में सोच सकते हो। तब तक आप स्टॉक में एंटर मत कीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो करंट लेवल पे अगर आपको खरीदना है स्टॉक, तो अगर स्टॉक आपको 900 के आसपास मिलता है एज अ कंजर्वेटिव टाइप ऑफ निवेशक, तो वहां पे आप खरीद सकते हो। अल्टो डिप में हम लोग ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव निवेशक के लिए मैं लेवल बताता हूँ। अगर आपको स्टॉक 900 रुपए के आसपास कहीं मिलता है तो आप यहाँ पे जो है इस स्टॉक में अच्छी खासी मात्रा में एंटर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जो है एग्रेसिव टाइप के निवेशक हो तो यहाँ पे जब भी स्टॉक गिरता है तो छोटी छोटी मात्रा में हम लोग इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में उठा सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है डायग्नोस्टिक सेक्टर जो है लैब टेस्ट करती है, तो जिसका बहुत अच्छा रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है और आने वाले दिनों में भी इस कंपनी को इसका फायदा मिलेगा। तो हम लोग समझ सकते हैं आने वाले दिनों में भी ये कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे कर सकती है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो पोजिशनल ट्रेडर के हिसाब से भी आप जो है यहाँ पे 1200 के टारगेट लिए पहला जो है टारगेट के लिए रुक सकते हो। लेकिन आप रुकना चाहते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी आप स्टॉक को पोर्टफोलियो में वोट कर सकते हो, क्योंकि जो दो मैंने मेजर पॉइंट बताया, इसका मार्केट कैप लगभग जो है 5000 करोड़ के आसपास है, तो उसको अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस 2000 से ज्यादा जो है सिटीज में ये अपना कामकाज करती है। अगर हम लोग यहाँ पे और एक चीज की ऐड करें तो कंपनी का यहाँ पे जो है वैल्यूएशन लिख रहा है पी का, अगर हम लोग पैरामीटर देखा तो अभी भी अच्छा खासा रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। अगर हम लोग इसके कंपेटिटिव जो है कंप्यूटर्स को यहाँ पे जो है कंपेयर करें तो ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक कंपनी नजर आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखिए। अगर आपको पैथोलॉजी सेक्टर पसंद आता है तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर या फिर डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये भी एक अच्छे कुछ स्टॉक है जिसमें आप थोड़ी मात्रा में यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा प्रोपोर्शन जो है पोर्टफोलियो का एक डाइवर्सिफाइड रहेगा, रिस्क फ्री रहेगा।
तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल एनालिसिस। डेफिनेटली आप आपका खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए, उसके बाद ही स्टॉक में एंटर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, द इन्वेस्टमेंट गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी क्वेश्चन कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।